हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे 6 रुपए 30 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 16% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने के अंदर 42%, 3 महीने में 125%, 6 महीने में 112% और 1 साल के अंदर 192% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल चुकी है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, परंतु आज के दिन इस स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक का एक लाइफ टाइम हाई बनता हुआ नजर आया 255 रुपीज। 255 रुपीज के स्टॉक में एक हाई लगा और स्टॉक ने 261 रुपीज का स्टॉक ने एक हाई लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आप इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 200 अराउंड 40 रुपीज। 240 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 233 रुपीज 233 रुपीस के इस स्टॉक में नीचे के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीस के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। अगर ये स्टॉक 233 रुपीस से नीचे गिरता है तो इस स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, पर स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 233 रुपीस। जब तक ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।